गुड आफ्टरनून टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हमने आपको माइक्रो टीचिंग का हिस्ट्री पढ़ाया है, फिर पढ़ाया है कि माइक्रो टीचिंग कहाँ से आया, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी है। माइक्रो टीचिंग साइकिलिंग पढ़ाया है, माइक्रो टीचिंग साइकिलिंग में आवंटित समय पढ़ाया है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स पढ़ाया है। अब माइक्रो टीचिंग स्किल्स में जैसे हमने कल 9 स्किल के बारे में चर्चा किया था, उसमें पहला स्किल है सेट इंडक्शन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, जिसको कहते हैं सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन का आज हम चर्चा करेंगे। सेट इंडक्शन के अंतर्गत कंपोनेंट आते हैं। कंपोनेंट का हिंदी होता है घटक। पहला कंपोनेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब पूर्व ज्ञान का उपयोग। जो छात्र प्रशिक्षक शिक्षक के रूप में रहते हैं, वह बैठे हुए छात्र प्रशिक्षक के क्वेश्चन के दौरान पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। दूसरा घटक है मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता बनाए रखना। जो शिक्षक अपने प्रशिक्षकों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं, उनकी एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। तीसरा घटक है रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक शब्दों का व्यवहार। जैसे जो छात्र प्रशिक्षक शिक्षक के रूप में रहते हैं, अगर कोई छात्र प्रशिक्षक जो छात्र के रूप में है कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो शाब्दिक रूप में जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाब्दिक रूप में ऐसे शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। कुछ अशाब्दिक बिहेवियर जैसे पीठ थपथपा के, क्लैपिंग करके, मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर, जो अशाब्दिक है वैसा बिहेवियर, वैसा व्यवहार करना चाहिए। चौथा कंपोनेंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस लाइक क्वेश्चनिंग, एग्जाम्पल, चार्ट, मॉडल, इटीसी, मतलब कुछ उचित युक्तियों और साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्वेश्चनिंग हो, एग्जाम्पल हो, चार्ट हो, मॉडल हो, इसके द्वारा उसके कंटेंट को, विषय वस्तु को बढ़िया से समझने में, अच्छा से समझने में सुविधा होता है, इसलिए ऐसे डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। ये चार तरह के घटक हैं जो सेट इंडक्शन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी छात्र शिक्षक के रूप में जब रहते हैं तो इन चारों घटकों का उपयोग करके स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन या सेट इंडक्शन को पूरा करते हैं। हमारे जामनी कांत बीएड कॉलेज में इसको एक प्रयोग के रूप में पेड़ के नीचे कराया जाता है। हमने आपसे बार बार कहा है कि माइक्रो टीचिंग एक अभ्यास की प्रक्रिया है, अतः यह पहला स्किल का अभ्यास इन चार घटकों को लेकर कराया जाता है। धन्यवाद।